दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके का टॉपिक है मिट्टी। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें भी जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिट्टी के बारे में। और मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है। मिट्टी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सही मायने में मिट्टी में ही पलते एवं बढ़ते हैं। यदि भारत जैसा देश की चर्चा किया जाए तो भारत है जो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कृषि प्रधान, यहाँ पे कृषि ही महत्वपूर्ण रूप से होता है। या ऐसे भी सभी लोग को इस मिट्टी से वास्ता रहता है, किसी को कम रहे या किसी को ज़्यादा रहे। तो दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि मिट्टी हमारे लिए जीवनदायिनी है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं, साथ ही हम लोग के व्यवहारिक जिंदगी में भी मिट्टी से संबंधित कुछ ज्ञान आवश्यक है। चाहे आप किसान के बेटा रहे या नहीं रहे, सभी के लिए मिट्टी बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में कुछ जानना और समझना। तो शुरू करते हैं। तो मिट्टी के जो अध्ययन के विज्ञान हैं उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। अर्थात मिट्टी से संबंधित जितना भी अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी में किया जाता है। मतलब आप देखिएगा तो तरह तरह की मिट्टी आपको मिल जाएगा। कोई कुछ मिट्टी है जो काला किस्म का दिख सकते हैं, कोई मिट्टी है जो बलुआहा किस्म का दिख सकता है, या तरह तरह का मिट्टी होता है। तो मिट्टी से संबंधित अध्ययन के विज्ञान है जो पेडोलॉजी है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया पेडोलॉजी। पेडोलॉजी और जो मिट्टी होता है वो तरह तरह की होता है। और उस मिट्टी के किसान खास करके चाहते हैं कि मिट्टी का पैदावार है जो बना रहे। यदि मिट्टी में उर्वरक क्षमता ज़्यादा रहेगा तो आप जिस फसल को उपजाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में उपज सकता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि मिट्टी का उर्वरक क्षमता बना रहे। इसके लिए किसान लोग खास करके दलहनी पौधा लगाते हैं, ठीक है। दलहनी पौधा लगाने से मिट्टी का उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। या कभी कभी फसल का एक तरह से चक्र चलाते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि गेहूं लगा दिए, उसी खेत में जब गेहूं की कटाई हो गया उसमें चावल लगा दिए, फिर चावल का कटाई हो गया तो अन्य फसल लगा दिए। और हर एक फसल का कुछ न कुछ मात्रा में उसके आवश्यक तत्व होता है, ठीक है। किसी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो किसी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, किसी में फास्फोरस की मात्रा। हर एक फसल का कुछ ना कुछ अपना गुण होता है, जिसके चलते मिट्टी में अनवरत है जो तरह तरह के मिनरल्स हैं जो मिलते रहते हैं और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बना हुआ रहता है। तो किसान लोग जो मिट्टी का उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं वो दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक है कि बीच बीच में दलहनी पौधा को उपजाया जाए। तो दूसरा पॉइंट है दलहनी पौधा को उपजाया जाता है। और फसल चक्र, ठीक है, क्रॉप्स का रोटेशन। ये नहीं है कि एक ही खेत में चावल कर रहे हैं तो कंटिन्यू आप कृषि खाली मात्र चावल ही करते हैं, इससे कृषि की उर्वरक क्षमता कम जाता है। तो फसल चक्र भी इम्पॉर्टेंट है। फसल चक्र जो मिट्टी होता है, जो सही मायने में मिट्टी होता है जिसपे आप कृषि कर सकता है या किसान लोग ढंग से कृषि करता है, उसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। 7 है जो पीएच है जो उदासीन होता है। अर्थात मिट्टी का जो पीएच होना चाहिए वो 6 से 7 होना चाहिए, ठीक है। तो पीएच कितना बताया गया है, तो पीएच है जो 6 से 7। अर्थात 7 से जब नीचे जाता है तो मिट्टी है जो अम्लीयता का गुण, उसमें खटापन का गुण आ जाएगा। और 7 से ज़्यादा यदि पीएच मान है तो मिट्टी है जो क्षारीय गुण को ले आता है, ठीक है। तो मिट्टी का ऐसे पीएच जो कि खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है तो 6 से 7 माना जाता है। कभी कभी वही मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो सकता है। खास करके उत्तर प्रदेश का जो मिट्टी है वो बहुत
फैक्ट्री सब के चलते एवं अन्य कारण से वहाँ का मिट्टी है जो अम्लीय मिट्टी है, तो उस जब अम्लीय मिट्टी रहता है तो हम लोग उस मिट्टी को 6 से 7 लाने के लिए चूना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चूना यदि डाल देने पे, क्योंकि चूना है जो क्षारीय गुण का होता है, तो है जो क्या करता है कि एक तरह से उसको ऊपर करता है, अम्लीयता को गुण को काटता है और उसका पीएच है जो लगभग 6 से 7 तक ले आता है। अब जो भारत और विश्व में जो मिट्टी हम लोग जानते हैं वो कुल है जो उपयोगिता के आधार पर 4 प्रकार के माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कृषि महत्व या उपयोगिता या मुख्य रूप से जो मिट्टी देखा जाता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का देखा जाता है। तो कृषि महत्व, कृषि महत्व के आधार पर मिट्टी है जो 4 प्रकार का है। पहला जो मिट्टी है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो दुनिया में या भारत में मिट्टी मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाया जाता है। पहला जो आपको बताया गया है वो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा जो मिट्टी का प्रकार है वो है काली मिट्टी, दूसरा जो प्रकार है वो है आपका काली मिट्टी। तीसरा जो प्रकार है मिट्टी का मुख्य रूप से उसका नाम है लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली या लाल पीली मिट्टी। और एक जो लास्ट प्रकार है उपयोगिता या आर्थिक महत्व के आधार पर उसका नाम है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेकिन ये तो 4 प्रकार का मुख्य रूप से मिट्टी है जो पाया जाता है, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र जो भारत का है नई दिल्ली में, ठीक है, वह मिट्टी को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अर्थात उनका कहने का मतलब है कि इस पे पृथ्वी पे कुल 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, लेकिन उपयोगिता के आधार पे या आर्थिक महत्व के आधार पे मुख्य रूप से यही 4 प्रकार का मिट्टी है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थापित है वो मिट्टी के 8 प्रकार कहते हैं। तो 8 प्रकार में 4 प्रकार तो आपका यही हो गया, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लाल पीली मिट्टी और अंत में आपका हो गया लेटराइट मिट्टी। तो 4 अन्य जो प्रकार है उसको भी लिख देते हैं, वो है आपका बलुआ मिट्टी, फिर उसके बाद चिकनी मिट्टी और उसके बाद दोमट मिट्टी और एक लास्ट जो प्रकार है उसका नाम है चरनोजम मिट्टी। तो अगला जो प्रकार है कृषि अनुसंधान केंद्र, ये जो मिट्टी के 8 प्रकार बताए हैं, तो 4 तो ये सब हो गया और 5वां आपका हो गया बलुआ, बलुआ मिट्टी। उसके बाद हो जाता है आपका चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उसके बाद दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी और एक जो अंतिम प्रकार है उसका नाम है चरनोजम, चरनोजम मिट्टी। ठीक है, यदि
पूछा जाता है एग्जाम में कि मिट्टी के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता सकते हैं 8 प्रकार होते हैं, लेकिन आर्थिक महत्व से या विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है वो 4 ही प्रकार के मिट्टी है। अब बारी बारी से हम लोग 8वीं मिट्टी का जो प्रकार है उसे देखते हैं, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक से, मिट्टी से टॉपिक से रिलेटेड लगभग सभी क्वेश्चन है जो आपसे बन जाएगा, या एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो मिट्टी से संबंधित सभी तरह का ज्ञान आप भली भांति समझ सकते हैं। तो शुरू करेंगे जलोढ़ मिट्टी से। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि मिट्टी है जो जल के द्वारा आता है, तो जल के द्वारा अर्थात या मुख्य रूप से जो जलोढ़ मिट्टी आता है वो नदी के जरिए खेत में आ जाता है। आप देखते होंगे बारिश के मौसम में बाढ़ आता है और बाढ़ के जरिए पूरा खेत में जहाँ जहाँ बाढ़ आता है उसके आसपास एक नई मिट्टी आ जाती है, ठीक है। उस पानी में या उस नदी में जो बाढ़ आया है उसके चलते एक मिट्टी का एक परत है जो चढ़ जाता है, उसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो यह जो मिट्टी का जो उद्गम है वो नदी द्वारा आता है, ठीक है, नदी के द्वारा ये आता है। और इसके बारे में जानना है कि भारत में यह मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है। भारत में इस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। और ऐसे भी जो मिट्टी बनता है वो पत्थर के ही छोटे छोटे कण रहता है, और नदी का जो उद्गम होता है या नदी जो निकलता है वो पहाड़ के ही, प्रायः पहाड़ से ही निकलता है, और पहाड़ पे पूरा के पूरा पत्थर से ही एक तरह से होते हुए नदी है जो आगे बढ़ता है, और उसी क्रम में वही जो पत्थर है जो एक तरह से क्या हो जाता है, बारीक हो जाता है, और वही बारीक को हम लोग, बारीक जो पत्थर रहता है उसको हम लोग मिट्टी भी कहते हैं। आप सुनेंगे बलुआ मिट्टी है ना, तो बलुआ मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रहता है, उससे भी और बारीक हो जाए तो समझ जाइए कि वो सब जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण हो जाता है, तो भारत में है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है जो मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी है जो दो प्रकार के रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि प्रायः हर एक साल नदी में बाढ़ आती है, और बाढ़ के चलते आसपास का जितने भी खेत हैं वो एक तरह से नया मिट्टी उस पे आ जाता है। तो जहाँ हर एक साल बाढ़ के चलते या हर एक साल नदी जो नई मिट्टी बिछा देती है उसे हम लोग बोलते हैं खादर, उसे हम लोग बोलते हैं खादर मिट्टी, अर्थात ये जलोढ़ मिट्टी का ही उदाहरण है। और जहाँ पे आता तो है वहाँ पे पानी आता तो है वहाँ पे मिट्टी, लेकिन एक साल आया तो दो चार साल पाँच साल तक वहाँ नहीं आ पाता है, ठीक है। तो वैसा जो जलोढ़ मिट्टी रहता है उसे हम लोग बांगड़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे बांगड़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी का ही दो प्रकार है, खादर और बांगड़। ऐसी इस मिट्टी के बारे में कहा जाता है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यह मिट्टी है जो बहुत ही उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी है। और इस मिट्टी को देखिएगा तो जहाँ जहाँ नदी है जो डेल्टा बनाती है, अर्थात नदी है जो समुद्र में मिलती है, ठीक है, समुद्र से मिलने से पहले जो जगह जो बनता है वह डेल्टा बनता है। तो प्रायः डेल्टाई क्षेत्र में या भारत में यदि चर्चा किया जाए तो मुख्य रूप से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में,
और एवं अन्य जगहों जहाँ पे नदी है जो डेल्टा का निर्माण करता है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो अब इसे लिख सकते हैं अगला पॉइंट में, ये बिहार, यूपी, बंगाल में है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से धान, आलू एवं जूट का पैदा किया जाता है। मुख्य रूप से धान है, गन्ना भी, ठीक है, धान, गन्ना, जूट, आलू, ये सब का पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से धान, जूट, गन्ना, ये सब किया जाता है। जरूर मिट्टी हम लोग जान गए। अगला जो हम लोग मिट्टी देखेंगे वो काली मिट्टी देखेंगे। दूसरा जो हम लोग का मिट्टी का प्रकार है वो आपका है काली मिट्टी। तो आप देखते होंगे कुछ मिट्टी ऐसा होता है जो पूरी तरह से काला दिखाई देता है, ठीक है, और खास करके हम लोग उस काली मिट्टी को बाल में भी लगाते हैं। तो काली मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी है जो आप ज्वालामुखी जानते होंगे, ठीक है, ज्वालामुखी है जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा रहता है वो ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी पे ऊपर निकलता है, और वही लावा में प्रायः जो पत्थर पाया जाता है उसका नाम है बेसाल्ट। कौन सा चट्टान है? बेसाल्ट पत्थर, ठीक है, यही पत्थर है जो धीरे धीरे उसमें क्षय होने लगता है और मिट्टी बन जाता है, उसे हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। तो बेसाल्ट चट्टान से या बेसाल्ट पत्थर से काली मिट्टी बनता है, और जैसा कि नाम ही है काली मिट्टी तो दिखेगा कैसा? काला। इसका जो कलर रहता है वो काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। यह भी मिट्टी है जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से कपास के लिए, ठीक है, कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी माना जाता है। और इस मिट्टी का एक अन्य नाम है, उसका नाम है रेगुड़। तो इसका एक नाम है रेगुड़ मिट्टी। तो पूछ सकता है काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है जो रेगुड़ मिट्टी है, और कपास के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो भारत में यह मुख्य रूप से जो मिट्टी पाया जाएगा, तो जहाँ पे भी आप देखते हैं कपास का खेती होता है या सूती वस्त्र का निर्माण होता है वहाँ पे मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र वहाँ पे ही ज़्यादा बनता है जहाँ पे कपास की खेती होता है। तो मुख्य रूप से यह मिट्टी है जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है, MP में, ये सब जगहों पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यह है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, MP, मुख्य रूप से इस जगहों पे काली मिट्टी पाया जाता है। नक्शा पे देखिएगा तो गुजरात, महाराष्ट्र और MP है जो आपको आसपास ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है लाल पीली मिट्टी, और इस मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगला देखते हैं हम लोग लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी को लाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो पहला चीज आप जाने इसके बारे में कि इसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद यह जो मिट्टी है इसमें लोहा की प्रधानता ज्यादा होता है, ऐसे लोहा एवं सिलिका की प्रधानता होता है, और लोहा का जो रंग होता है वो लाल ही होता है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन इसका मुख्य घटक है। यह मिट्टी भी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, और खास करके जो दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इसी प्रकार की मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। यदि एग्जाम में आता है
कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार का मिट्टी अधिक पाया जाता है, वो है लाल पीली मिट्टी। तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। यदि चर्चा किया जाए तो भारत के किन किन राज्यों में लाल पीली पाया जाता है मिट्टी, तो पहला आपका हो गया तमिलनाडु, उसके बाद आपका हो गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना, ठीक है, उसके पास में ही उड़ीसा, ये सब जगहों पे लाल पीली मिट्टी है जो पाया जाता है। यदि आप नक्शा पर हल्का सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु के पास में ही आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ही पास में ही तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश के बगल में ही उड़ीसा है, ठीक है। यहाँ तक कि झारखंड में भी इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। इस मिट्टी पे मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी और आलू की खेती किया जाता है। तो यहाँ पे जो खेती होता है वो मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी एवं आलू, ठीक है, अन्य चीज़ भी हो सकता है, वो भारी चीज़ें नहीं है, लेकिन वह मिट्टी है जो मुख्य रूप से उपयुक्त पाया जाता है, अर्थात चाय, कॉफ़ी, आलू का खेती किया जाए तो इस मिट्टी में उर्वरक क्षमता इस तरह के पदार्थ के लिए ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैदा करेगा। चलिए एक लास्ट प्रकार का हम लोग मिट्टी देखते हैं और उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। तो अगला हम लोग देखते हैं लेटराइट मिट्टी। अगला जो हम लोग का है वो लेटराइट मिट्टी। देखिए ये जो भी मिट्टी है वो भी लाल रंग का ही दिखाई देता है, लेकिन लाल मिट्टी है जो लाल पीली मिट्टी को ही बोलिएगा, तो इसका भी जो कलर होता है वो लाल ही होता है, ठीक है, ये लाल ही होता है। लाल होने के पीछे लोहा की अधिकता होता है। अब कहिएगा सर दोनों तो एक ही प्रकार का मिट्टी है, तो ऐसी बात नहीं है। इस मिट्टी का क्या खासियत है कि पानी पड़ने पे यह मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा चिपचिपा या लस्सेदार हो जाता है, ठीक है, जबकि उस मिट्टी में इस तरह की जो गुण था वैसा गुण नहीं पाया जाता है। तो चिपचिपाहट का गुण होता है, चिपचिपा, ठीक है, एक प्रकार से चिपचिपा कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। खेती के मामले में उसी तरह की आप कुछ खेती कर सकते हैं, या दूसरे मायने में आप कह सकते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी है जो कि लेटराइट नामक चट्टान के टूटने से बनता है, ठीक है, टूटने से बनता है। और ये जो मिट्टी है जो यहाँ पे आप देखे थे लाल पीली में, क्या क्या देखे थे, इसमें मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी और आलू हो रहा है। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से देखिएगा, चाय, कॉफ़ी, आलू, उसके साथ साथ रबड़ भी बोल सकते हैं, काजू बोल सकते हैं, इलायची बोल सकते हैं। तो यह मिट्टी को आप देख रहे हैं कि इससे भी कुछ दो कदम आगे ही है, ठीक है, यदि अलग अलग तरह के फसल उत्पादन में। यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, तो चाय, कॉफी, आलू, रबड़, काजू, इलायची, ठीक है, ये सब मिट्टी, ये सब एक तरह से पदार्थ है जो होता है। अब कहिएगा कि यह मिट्टी जो भारत के किन किन राज्यों या प्रदेश में मिलता है, तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में, ठीक है, चाय ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में, तो केरल, असम, मेघालय, ये सब में जो मिट्टी पाया जाता है वह मिट्टी है जो आपका है, कौन सा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो राज्य लिख लीजिए, केरल, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए
अब हम लोग को देखना है चार प्रकार के मिट्टी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रायः पाया जाता है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि नई दिल्ली में स्थापित है वो मिट्टी के 8 प्रकार बताए हैं। तो चार तो ही प्रकार है और अन्य चार प्रकार भी संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं और वो है आपका बलुआ मिट्टी। तो पहले लिख लेते हैं बलुआ मिट्टी। बलुआ मिट्टी देखिए जो बलुआ मिट्टी है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बलुआ मिट्टी है उसमें मुख्य रूप से किस चीज की मात्रा होगी तो मुख्य रूप से वह मिट्टी में बालू के कण ज्यादा पाया जाता है और यदि बालू ज्यादा रहेगा तो जल का भी संचय इस प्रकार की मिट्टी ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है, यह जल भी अवशोषित करने का गुण कम होता है और साथ ही साथ यह मिट्टी है जो उपजाऊ मिट्टी नहीं है। मोटा अनाज जैसे ज्वार रागी मक्का ये सब इसमें उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, मोटे मोटे कण होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे या मोटा कण पाया जाता है। दूसरा चीज इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता कम होती है, तो जल अवशोषण की क्षमता इसमें कम पाया जाता है, साथ ही मोटा अनाज के लिए उपयुक्त माना जाता है। मोटा अनाज के लिए उपयुक्त माना जाता है और मोटा अनाज में मक्का ज्वार रागी बाजरा इत्यादि आते हैं, ठीक है। यह हो गया आपका बलुआ मिट्टी। बलुआ मिट्टी के बाद हम लोग देखेंगे चिकनी मिट्टी, ठीक है। अगला जो हम लोग देखते हैं चिकनी मिट्टी, तो छठा में आपका हो गया चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी के बारे में आपको जानना है कि मिट्टी है जो महीन महीन एक तरह से कण के बने होते हैं, अर्थात यह मिट्टी है जो पूरी तरह से यदि हाथ में रखिएगा तो इसका जो कण रहेंगे वो महीन कण रहते हैं और जल अवशोषण के मामले में यह मिट्टी बहुत ही अच्छा माना जाता है और प्रायः धान की खेती के लिए ये चिकनी मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। कभी कभी आप सुनते होंगे गांव देहात में कि इसका जो मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा चिकन है, ठीक है ना, तो छूने पे एक भी कंकड़ या कण नहीं आ रहा है। और तो चलिए चिकनी मिट्टी में कुछ लिख लीजिए, ये महीन कण के बने होते हैं, साथ ही साथ जल शोषण करने की क्षमता, जल अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से चावल है जो इस मिट्टी में पैदा किया जाता है, चावल के लिए बहुत ही उपयुक्त है ना, धान के लिए मिट्टी है जो उपयुक्त माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे दोमट मिट्टी। पहले लिख लेते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी है जो ये चिकनी मिट्टी और बलुआ मिट्टी का मिश्रण है, अर्थात कुछ उसका जो कण रहेंगे वो चिकन रहेंगे और कुछ उसके जो कण रहेंगे मोटा मोटा रहेंगे और दोनों का ही एक प्रकार से मिश्रण है, ठीक है। तो एक प्रकार से मिश्रण है, मिश्रण वाला मिट्टी हो गया। दूसरा इसमें जो गुण है, मतलब दोनों का एक तरह से गुण है और खास करके गेहूं की कृषि के लिए ये उपयुक्त
मिट्टी माना जाता है, तो गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे थे कि मोटा अनाज के लिए बलुआ मिट्टी उपयुक्त है, जबकि यहाँ पे देख रहे थे चावल के लिए उपयुक्त है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि गेहूं के लिए उपयुक्त है। लास्ट एक और प्रकार का मिट्टी हम लोग देख लेते हैं और उसका नाम है चेरनोजम। तो चेरनोजम मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी, तो देखिए चेरनोजम मिट्टी है वो मुख्य रूप से समशीतोष्ण कटिबंध पे पाया जाता है। अब समशीतोष्ण कटिबंध देखिए आपका पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच हम लोग विषुवत रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ से जो 23.5 डिग्री ऊपर या यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिण, तो ये जो कुछ बेल्ट है कुछ दूरी तक, उस बेल्ट को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अर्थात ना बहुत ज्यादा वहां पे ठंडा पड़ रहा है, नहीं बहुत ज्यादा गर्मी। यहाँ पे है जो कटिबंध है 0 से 23, इसे हम लोग उष्ण कटिबंध, अर्थात यहाँ पे सूर्य की रोशनी ज्यादा सीधा पड़ता है, इसके चलते ज्यादा गर्मी पड़ता है, जबकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंडा है और ना बहुत ज्यादा गर्मी है, इसी चलते इसे हम लोग समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। तो खास करके हम लोग ये मिट्टी देखेंगे वो समशीतोष्ण कटिबंध में देखेंगे। ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंध में देखेंगे, समशीतोष्ण कटिबंध में यह मिट्टी है जो देखा जाता है। यह मिट्टी का जो रंग होता है वो काला होता है। ठीक है, काली मिट्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका रंग है जो काला दिखाई देता है, काली काला दिखाई देगा। और साथ ही साथ यह भी है जो गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो गेहूं के लिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि चेरनोजम मिट्टी और दोमट मिट्टी यह जो उपयुक्त है, लेकिन मुख्य रूप से जो मिट्टी है जो चार ही प्रकार के हैं, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद आपको बताया गया था काली मिट्टी, उसके बाद लाल पीली मिट्टी एवं लेटराइट मिट्टी। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।